Hello everyone, welcome to Quantifiers. In this set, it is given Shivam, an Olympiad winner, created a modified version of Sudoku. He created a puzzle of 6x6 square with divisions of a smaller 2x2 squares. And the rules to fill the boxes are, number one, only numbers 1 to 7 can be used. Each smaller 2x2 square has distinct digits inside its boundary. So basically, ये जो 2x2 के जो स्क्वेयर्स है इनको अलग अलग कलर्स में शेड किया हुआ है. दे ऑल हैव डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब अगर यहाँ 6 आ गया तो यहाँ दोबारा 6 नहीं आ सकता, ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे. नेक्स्ट इज ईच नंबर मस्ट अपियर एट मैक्सिमम वंस इन एवरी रो कॉलम एंड द बॉडी डायगनल. ठीक है, तो रो में कॉलम वाइज और डायगनल वाइज हर नंबर एक ही बार आना चाहिए. जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिए 4 की, तो ये 4 कह रहा है अगर यहाँ पे आ गया तो ये वापस इस रो में नहीं आएगा, इस कॉलम में दोबारा नहीं आएगा और इस डायगोनल के अलोंग भी दोबारा नहीं आएगा. इट इज आल्सो नोन दैट ओनली डिजिट्स 2, 4, 7 अपीयर इन एवरी रो एग्जैक्टली वंस. तो 2, 4, 7 ही है जो सारी रोज के अंदर आएंगे. अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि हर नंबर एक रो में एक ही बार आता है, तो अगर 2, 4, 7 हर रो में आ रहे हैं तो ये हर कॉलम में भी एक बार आएंगे. क्योंकि अगर 2 यहाँ पे आ गया इस रो के अंदर फर्स्ट रो में, तो किसी और रो में ये इस कॉलम में नहीं आ सकता, ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा. इसको अगली रो में आने के लिए अगला कॉलम ढूंढना पड़ेगा. तो ये 2, 4, 7 हर रो में एक बार आएंगे, हर कॉलम में भी एक बार आएंगे. एंड द नंबर 6 अपीयर्स ओनली थ्राइस इन द एंटायर 6x6 सुडोकू. तो नंबर 6 देखो 3 बार आएगा, एंड आल्सो इन 3 कंसेक्यूटिव रोज, और ये 3 कंसेक्यूटिव रोज में भी आएगा. अब ये सेकंड रो में तो ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब 6 है, या तो वो 3 कंसेक्यूटिव रोज में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आएगा, या फिर वो 3 कंसेक्यूटिव रोज सेकंड थर्ड और फोर्थ में आएगा, क्योंकि वो सेकंड में ऑलरेडी है ना. अब हम इनको यूज करके ये पूरा जो सुडोकू है इसको फिल करने की कोशिश करते हैं. देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि 2, 4, 7 क्योंकि हर रो में आ रहा है, तो इन्हीं को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले. सो 4 देखिए, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो. 4 देखो, 4 यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, अब सेकंड रो में 4 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि बॉडी डायगनल है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ बैठा है. तो 4 के लिए यही प्लेस बचती है सेकंड रो में. सिमिलरली थर्ड रो में 4 के लिए सिर्फ यही प्लेस बचेगी क्योंकि यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा. फोर्थ रो में 4 यहाँ है ही है. पांचवी रो में जो 4 है वो ना तो यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, यहाँ बॉडी डायगनल हो गया, यहाँ कॉलम हो गया. तो पांचवी रो में 4 यहाँ आएगा और लास्ट रो में सिर्फ ये बच गया. ठीक है, तो 4 हमने एडजस्ट कर दिया हर रो में हर कॉलम में. अब 2 को देखते हैं. अब 2 के लिए देखो, फर्स्ट रो तो ये आ गई, सेकंड रो में 2 आने को यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है. लेकिन अगर मैं एक चीज नोटिस करूं कि सेकंड कॉलम में अगर देखोगे तो 2 हर कॉलम के अंदर भी एक बार आना चाहिए था, तो 2 यहाँ तो आ नहीं सकता इस कॉलम, सेकंड कॉलम में 2 यहाँ नहीं आ सकता, तो 2 को यही आना पड़ेगा. अब इसके बाद अगर मैं इस रो की बात करूं, इस रो में भी 2 को एक बार आना है. ठीक है ना, अब इसमें 2 या तो यहाँ आएगा, पर यहाँ आएगा तो फिर इस वाले 2x2 स्क्वायर में 2x2 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ 2 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बॉडी डायगोनल भी चल रहा है, यहाँ नहीं हो सकता, तो यही पॉसिबिलिटी बचती है 2 यहाँ आएगा. अब आते हैं थर्ड रो में. थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम में 2 यहां नहीं आएगा. ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम में 2 यहां भी नहीं आ सकता कि यहां बैठा है, और यहां भी नहीं आएगा यहां भी नहीं आएगा. फर्स्ट कॉलम में 2 के लिए सिर्फ यही एक प्लेस बचती है, इस रो में एडजस्ट हो चुका है, और सेकंड रो में 2 सिर्फ यही आएगा, ये पॉसिबल है कि यहां तो ऑलरेडी आ चुका है. तो हमने 2 को भी एडजस्ट कर दिया. अब आते हैं 7 पे. देखो मुझे इतना पता है कि 6 जो है ज्यादा से ज्यादा रो 4 तक आएगा, 2, 3, 4 तक. इसका मतलब पांचवी रो में 6 नहीं होगा, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ पे भी 6 नहीं होगा. तो अगर मुझे 6 को छोड़ के बाकी यहाँ पे नंबर एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ पे आप 1 से लेके 7 तक नंबर एडजस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट 6, 6 नहीं आएगा बस. ठीक है, तो यहाँ मुझे 1 और 7 दोनों लगाने हैं, यहाँ भी 1 और 7 दोनों लगाने हैं. अब इस रो के अंदर तो 1 आ चुका है, यहाँ पे अगर 1 लगाना है तो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि सेम 2x2 स्क्वायर में नहीं आ सकता, तो 1 यहाँ आना चाहिए. ठीक है, 1 यहाँ पे है. ठीक है, और सिमिलरली अब 6 आएगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ सिर्फ 3 बचता है, तो 3 यहाँ आ जाएगा. और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ भी मुझे 7 लगाना है और 5 लगाना है, 7 और 5 लगाना है, 5 यहाँ आ नहीं सकता.
क्योंकि 5 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 5 को यहाँ आना पड़ेगा और 7 को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है जी। अब 7 इसके बाद बाकी कहाँ कहाँ लगा सकते हो आप, देखते हैं उसको। सेकंड सेकंड कॉलम देखेंगे तो सिर्फ 7 यही आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, और फिर हर कॉलम में भी इसको आना है। ठीक है जी। और अगर अब मैं इसको 7 को इस वाले कॉलम में हम एडजस्ट कर चुके हैं, फर्स्ट कॉलम में एडजस्ट करना हो तो कहाँ आएगा? फर्स्ट कॉलम में यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ यही प्लेस बचती है इसके लिए। फर्स्ट में भी आ गया, सेकंड में भी आ गया, थर्ड में भी आ गया, फोर्थ में अभी आना बाकी है, पांचवें में आ गया, सिक्स में आना बाकी है। तो फोर्थ में आप इसको कहाँ रख सकते हो? फोर्थ में आप इसको ऑब्वियसली यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ आ चुका है, तो फोर्थ में यही आएगा। ठीक है, फोर्थ कॉलम में यही आएगा, पांचवें में आ चुका है, सिक्स कॉलम में इसके लिए सिर्फ यही एक प्लेस बचती है, यहाँ आएगा। तो 7 भी हर रो में हमने एडजस्ट कर दिया, तो 2, 4, 7 हर रो में आ चुके हैं। अब देखो, अगर आप फोर्थ रो को देखोगे ना, फोर्थ रो में 2, 5, 4, 7 आ चुके हैं, इसमें अब आप एडजस्ट कर सकते हो 1, 3 और 6 फोर्थ रो में, लेकिन 1 आ नहीं सकता क्योंकि 1 यहाँ नहीं आ सकता कि यहाँ बैठा है, ऐसे 1 यहाँ नहीं आ सकता कि यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे 1 आ नहीं सकता। मतलब इस वाली रो में आपको 3 और 6 अरेंज करने पड़ेंगे। कहने का मतलब 6 या तो यहाँ आएगा या फिर 6 यहाँ आएगा, 6 इस रो में आना ही है। अगर इस रो में 6 आएगा तो इसका मतलब जो 3 कंजेक्टिव रोज जहाँ 6 आएंगे वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ होगी, इसमें 6 आना ही आना है। इसका मतलब 6 फर्स्ट रो में नहीं आएगा, तो फर्स्ट रो में अगर 6 नहीं आएगा तो फर्स्ट रो में आपको फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 फिल करने हैं। तो यहाँ पे 1 कहाँ आ सकता है? 1 यहाँ नहीं आ सकता, 1 यहाँ नहीं आ सकता, तो 1 को यही आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें 5 की, तो 5 और 3 के लिए ये प्लेसेस बचती हैं। चलिए ठीक है, 5 और 3 के लिए ये प्लेसेस बचती है हमारे पास। यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे देखूँ अगर मैं तो एक बार के लिए, इस प्लेस पे 1, 2, 3 बाहर है अभी, तो यहाँ पे 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7 या 5 आ सकता है। तो यहाँ पे 3 या 5 में से कुछ भी एक आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। सोच के देखो, 5 आएगा नहीं, बिकॉज अगर यहाँ 5 आएगा तो 5 तो यहाँ भी बैठा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉसिबल है, यहाँ सिर्फ 3 आएगा। अब अगर यहाँ 3 आएगा तो फिर यहाँ 3 नहीं आएगा क्योंकि सेम 2 बाय 2 स्क्वेयर में सेम नंबर नहीं आना चाहिए, तो 3 को यहाँ आना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे पता है कि यहाँ भी मुझे 3 और 6 रखने हैं, इस वाली रो में भी 3 और 6 रखने हैं मुझे, तो मैं 3 यहाँ तो रख नहीं सकता क्योंकि यहाँ मैं आ रहा है 3 ऑलरेडी, तो 3 को यही आना पड़ेगा। अब अगर 3 यहाँ पे है तो 6 यहाँ होगा, तो सेकेंड रो में 6 यहाँ पे है, फोर्थ रो में 6 यहाँ पे है, तो थर्ड में 6 यहाँ हो नहीं सकता आप, ठीक है ना, बॉडी डायगनल है, तो 6 को यही आना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 यहाँ आ गया। और यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो 1, 2, 3 अभी बाहर है, ठीक है, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ पे अब आप कह सकते हो कि 3 और 5 कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे 3 भी रख सकते हो, वैसे तो 5 भी रख सकते हो क्योंकि 3 और 5 अभी दोनों बाहर है, पर अगर आप 3 रखते हो यहाँ पे तो दिक्कत ये है कि 3 यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। ठीक है जी, तो हमने विद द गिवन कंडीशंस ये सारी की सारी जो अरेंजमेंट थी इसको कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी कैन आंसर ऑल द 4 क्वेश्चंस इजीली। सो फर्स्ट सेज हाउ मेनी रोज विल हैव 1 एज वन ऑफ द डिजिट्स। तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? इस रो में 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो कितनी रोज में 1 आ रहा है? 5 में 1 आ रहा है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेज व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स दैट विल ऑक्यूपाई द रिमेनिंग 2 सेल्स ऑफ द 2 बाय 2 स्क्वायर इन द सेंटर ऑफ द पजल्स। 2 एंड 4 आर ऑलरेडी देयर, मतलब इसकी बात हो रही है, तो बाकी 2 डिजिट्स मतलब 2, 4 को छोड़ के जो बाकी 2 डिजिट्स बनती है उनका टोटल कितना है? बाकी 2 बन रही है 5 और 6, जिनका टोटल बनेगा 11। थर्ड सेज विच डिजिट विल ऑक्यूपाई द सेल एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट रो फ्रॉम द बॉटम, तो नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? 3। सेकंड लास्ट सेज व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द सेल्स इन द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के सारे सेल्स का सम कितना है? तो 3 प्लस 1 4, 2 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 7 23। सो आंसर बनेगा 23। ठीक है, आपको इस वाले कॉलम को ऐड करना है, सो आंसर इज 23। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस सेट इज क्लियर टू ऑल।
So if you like this set, please subscribe to our YouTube channel. You can also join with us through our WhatsApp and the Facebook group. The links are given in the description. Thank you to all.